नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केला जो है हमारे ही ज़मीन में हुआ है और उसमें से एक केला पक गया है। और चलिए इसे निकालते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। ये इलायची केला है, बहुत ही टेस्टी है। तो जब हम केले निकाले तो वो पूरा केला का जो गच है उसे भी हमने निकाला है और उसके अंदर में जो बनाना स्टेम होता है वो हमने निकाला है। आज हम बनाना स्टेम की ही एक सूखी सब्जी तैयार करेंगे जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, डाल दिया है तेल और एक चम्मच सरसों डाल दिया है। तो जैसे ही सरसों चटकेगा हम इसमें डाल देंगे लाल सूखी मिर्चें, एक या दो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये है बनाना स्टेम जिसे मैंने अच्छे से क्लीन करके चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने डाल दिया है थोड़े से करी पत्ते। तो ये जो है सूखी सब्जी बनेगी जिसमें हम डालेंगे नारियल का मसाला। नॉर्मली इस तरीके के सब्जी जो है उसे हम तोरण बुलाते हैं। तोरण जो है आप कोई भी सब्जी का बना सकते हैं। तो जिस तरीके से हम बनाना स्टेम का बनाते हैं तोरण, उसी प्रकार से बनाना जो कच्चा केला होता है उसका बनाते हैं, बनाना का जो फूल है फ्लावर है उसका बना लेते हैं, और कोई भी सब्जी जैसे कि पपाया हो या कुंदरू हो या फिर भिंडी हो, कोई भी सब्जी, हर किसी का तोरण बनता है। और आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी सब्जियों का तोरण बनाया है, बहुत ही सिंपल, और सभी की रेसिपी जो है ऑलमोस्ट सेम है, बस सब्जी अलग अलग है। तो ये देखिए, 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मैंने पका लिया था, 5 मिनट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने बनाना स्टीम को हाफ बॉईल कर लिया है, बीच में गड्ढा बना लिया है और इसमें मैंने डाला है नारियल का मसाला। इसमें नारियल है 1 कप, जीरा 1 चम्मच, 2 से 3 कलियां लहसुन का और हरी मिर्चें डाल दिए हैं जिसकी वजह से ये जो मसाला जो है आपको हरा दिख रहा है। हरी मिर्चें 2 से 3 या 3 से 4 आप ले सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उतना। तो मिक्सी के जार में मैंने 1/4 कप पानी डाला है और मिक्सी के जार को अच्छे से धो के जो पानी है उसे मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मसाला जो है इसका कच्चापन हमें हटाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बनाना का जो स्टेम है इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से कवर कर लेंगे और फिर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। आपको इसे अब तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है, हम एक बार चेक कर लेंगे कि मसाला का कच्चापन गया या नहीं, एक बार मिला लेते हैं। तो जी हाँ, खुशबू से मैं ये बता सकती हूँ कि मसाला का जो कच्चापन है वो निकल गया है और बनाना का जो स्टेम है वो ऑलमोस्ट पक गया है। अच्छे से मिला लेंगे मसाले को बनाना स्टेम के साथ। इसमें हम सूखे मसाले में डालेंगे हल्दी, सिर्फ हल्दी डलेगा। आप चाहे तो मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, लेकिन यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। मिला लेंगे अच्छे से और ये सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, ये सब्जी जो है हम मोस्टली लंच में ही खाते हैं राइस के साथ, या फिर डिनर में भी खा सकते हैं अगर आप डिनर में राइस लेते हो तो एक साइड डिश होती है लंच में। यहाँ पे मैंने डाला है लोबिया, ये ऑप्शनल है। लोबिया मैंने 1 कप बॉईल करके डाला है और इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। चाहे तो ढक्कन लगा के 5 मिनट और पका सकते हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से लोबिया में जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। लोबिये से क्वांटिटी भी थोड़ा बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, सब्जी एकदम तैयार है। चाहे तो आप 1 या 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं पका रही हूँ क्योंकि ये एकदम अच्छे से पका हुआ है, सारी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं और एकदम मिक्स हो गई हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।